आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू कतली। इसके लिए मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पे लिया है 2 आलू, इनको साफ करके धो लिया है और काट लीजिए। मैं इसके लंबे लंबे जैसे फिंगर चिप्स होते हैं ऐसे ऐसे कतली काटूंगी। लंबाई में काटिएगा क्योंकि हम थोड़ा सा डिफरेंट बना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने सारे पीसेस को ज़्यादातर एक ही साइज़ में काटा है। लेंथ भी सेम है एंड ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा है, तो आप इतना ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं एंड ना ज़्यादा ही पतला, मीडियम साइज़ का रखिएगा। तो हम इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं और इसको किसी छन्नी में रख लीजिएगा जिससे इसका जो भी सारा पानी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा पानी निकल जाए, और क्योंकि फिर हम इसको फ्राई करेंगे तो तेल में पानी नहीं जाना चाहिए, तो उसको अगर आप किसी छन्नी में निकाल लेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। थोड़ी देर छन्नी में, जब तक ऑयल गर्म होता है, आप इसको छन्नी में निकाल के रखिए। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, मैं इसको फ्राई करने वाली हूँ। तो आप थोड़ा सा जब ये तेल को पहले तो लो जो है वो हाई रखेंगे हम, जिससे ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद जब हम इसमें आलू डालेंगे, आप देख सकते हैं आलू को आप किसी कलछी से पकड़ कर ही डालिएगा, क्योंकि एकदम हाथ से अगर आप डायरेक्ट ऑयल में डालेंगे, ऑयल हमारा गर्म है तो उससे आपको छींटे भी आ सकते हैं। तो मैंने कलछी से ही चिप्स को मैं डाल रही हूँ, और गैस को एकदम थोड़ा स्लो कर दीजिए। पहले हम इसको थोड़ा स्लो में पकाएंगे क्योंकि अभी आलू गीले हैं तो ये चिपके रहते हैं आपस में, तो जब इसमें हल्का सा क्रिस्पीपन आएगा उसके बाद मैं गैस तेज करूँगी और फिर इसको पलटूँगी। तो आप देख सकते हैं आलू हमारे हल्के हल्के फ्राई हो रहे हैं, तो इसी तरीके से मैं बाकी आलू भी इसमें ऐड कर देती हूँ। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है और आपको अच्छा भी लगेगा, कम टाइम में बन जाती है, आपको एक अच्छी सी आलू कतली खाने के लिए मिलेगी। तो हम इसको एक बार मैं पलट देती हूँ, आप देखिए धीरे धीरे, और बहुत ही सॉफ्टली पलटिएगा क्योंकि आपस में चिपके रहते हैं तो ये टूटने नहीं चाहिए वरना इनका साइज़ ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ही आराम से मैं इसको पलट रही हूँ धीरे धीरे और साइड से पलट रही हूँ, तो आप भी यही कीजिएगा। इसको बीच से करछी नहीं चलानी है हमने, साइड के आलू उठा के बीच में डालिए, तो तलने का यही प्रोसेस है, आप इसको इस तरीके से करते रहिए। और थोड़ा सा मैंने अब गैस को तेज़ कर दिया है, तो आप देख सकते हैं आलू का कलर चेंज हो गया है और ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो हमें यही चाहिए। थोड़ा सा हम इसको और फ्राई करेंगे, अभी थोड़े से आलू रह गए हैं आप देख सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा और फ्राई कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा सा और क्रिस्पी चाहिए। और तो इसको मैं थोड़ा सा हाई फ्लेम पे ही फ्राई करूँगी, तो जैसे ही ये थोड़ा और, ये देखिए परफेक्ट हुआ है, एकदम कलर इसका अच्छा आया है और साइज़ देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो हमारी आलू कतली जो है एकदम तल के रेडी हो चुका है, तो मैं अब इसकी प्लेटिंग बताऊँगी आपको। थोड़ा सा मैं इसको और फ्राई कर लेती हूँ, आप देख सकते हैं थोड़ा कहीं हल्का सा कमी लग रहा है, तो मैं इसको एक बार और उठा उठा के भी देख लीजिए, ये इस तरीके से, ये वाला जो मैं आपको साइज़ दिखा रही हूँ, कलर दिखा रही हूँ, हमें बिल्कुल सेम यही कलर करना है, और बहुत जलाना नहीं है। अगर आपको गैस तेज़ लग रहा है तो आप गैस को थोड़ा धीमा कर दीजिएगा ताकि ये जले नहीं, और हल्के में ही भी फ्राई कर सकते हैं आप इसको। तो मैं देखिए इसको उठा के इस तरीके से कर रही हूँ, अभी एकदम चिपक भी नहीं रहे हैं क्योंकि फ्राई हो चुके हैं गोल्डन कलर के। अब लगभग हमारे आलू जो हैं वो तैयार हो ही गए हैं, तो मैं इसको एक बार और पलट लेती हूँ चारों तरफ से, मैं इसके बाद चेक कर लेती हूँ कि कोई आलू कच्चा तो नहीं रह गया है या कोई आलू वाइट तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब एक ही कलर के होने चाहिए। तो इसे मैं इनको एक बार और अच्छे से घुमाकर पलट लेती हूँ, और गैस मैंने अपना स्लो ही रखा है आप देख सकते हैं। तो मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ ऐसे ही, जैसे अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा तो आप इनको पहले एक टिश्यू पेपर में निकाल लीजिए, और उसके बाद जो बचे हुए आलू हैं उनको भी इसी तरीके से सेम स्टेप बाय स्टेप आप इसको फ्राई कीजिए जितना आप क्वांटिटी ले रहे हैं। मैंने तो यहाँ पर 2 ही आलू लिए थे, तो मैंने 2 ही आलू को ही बना के दिखा रही हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं ये अब ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तल गया है। अब इसका अच्छे से जो भी ऑयल है हम उसको निथार लेते हैं, थोड़ा भी ऑयल नहीं रहना चाहिए। और आप एक टिश्यू पेपर ले लीजिए, टिश्यू पेपर को भी पहले एक रखिए, उसके ऊपर दूसरा टिश्यू पेपर रखिए, जिससे सारा एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो टिश्यू पेपर सोख लेता है। तो आप देख सकते हैं हमारा कितना परफेक्ट हुआ है, इसमें मैंने अच्छे से टिश्यू पेपर में इसे इसको रैप किया था तो ऑयल हटाने के लिए। अब मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं आलू कतली की चाट बनाने वाली हूँ, तो इसमें मैं थोड़ा नमक डाल रही हूँ अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा मत डालिएगा, तो थोड़ा ही डालिएगा जितनी आपकी क्वांटिटी होगी। और इसमें मैं साथ में ही डाल रही हूँ नींबू, नींबू भी मैं थोड़ा सा ही डालूँगी, यहाँ हाफ स्पून भी चलेगा, जितना मैंने बोला जितना आप ले रहे हैं क्वांटिटी आलू की आप उतना ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा खट्टा भी ना हो जाए। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ स्पून से,
और आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आप स्पून से मिलाइए, और अगर आप इसको चाट स्टाइल में अगर इसको ज़्यादा से अच्छे फेटेंगे आप, तो सारा मसाला जो है इसमें अच्छे से चिपक जाएगा। ये देखिए, बाउल को थोड़ा सा टॉस कर लीजिए, हम इस तरीके से उठाते हैं और ऐसे ऐसे ज़ोर ज़ोर से टॉस करेंगे आप इसे, तो जो भी इसमें सारा मसाला है वो अच्छे से चिपक जाएगा और एक अच्छी सी चाट, देखिए कितनी अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम आप इसको सर्व कर सकते हैं, पार्टी के लिए एक अच्छा स्नैक्स भी बना सकते हैं आप इसके लिए। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है और जल्दी से बन भी जाता है, इसमें कम समय लगता है। आप देख सकते हैं मेरी आलू की कतली तैयार है, और इसमें आप फोक से खा सकते हैं, टूथपिक भी लगा सकते हैं अच्छा लुक देने के लिए इसको आप। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा मसाले भी ऐड नहीं किए गए हैं, सिर्फ इसमें मैंने नींबू डाला था, रेड चिली पाउडर डाला था, ब्लैक पेपर डाला था, तो आप इन और सॉल्ट डाला था, तो आप सिर्फ इन तीन मसालों से और एक आलू से इतनी अच्छी डिश बना सकते हैं घर पे खुद से। तो आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और आगे इसी रेसिपीज़ के साथ मैं दोबारा से आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।